हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों के लिए बुक मार्क्स का वीडियो लेकर आई हूँ। मेरी बेटी को ना नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो सोचा उसके लिए कुछ बुक मार्क्स बना देती हूँ। तो चलिए, सबसे पहला जो बुक मार्क मैं बना रही हूँ ना, ग्रॉसरी बैग जो हमारे पास आते हैं ब्लैंकेट वगैरह से, उससे बनाया है। तो इस टाइप का हम 3 कटआउट काट लेंगे और फिर उस पर टेप लगा देंगे। और अपने ही पॉट से मैंने ऐसा एक स्टेम तोड़ लिया जिसमें फ्लावर लगा हुआ था, और उसको उस टेप के ऊपर चिपका दिया। फिर उसके ऊपर हमने वापस से दोबारा से टेपिंग कर दी। चौड़ा वाला टेप रहेगा ना आपके पास में ऐसा ट्रांसपेरेंट, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे पास नहीं था तो मुझे डबल टेप लगानी पड़ी। और इस तरह से हम आगे पीछे इसको ग्लू से स्टिक कर देंगे, और बस आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर लीजिए, और बस आपका बुकमार्क रेडी है। है ना, कितना सिंपल और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे आपका ये बन के रेडी हो जाता है। बहुत ही सुंदर। ये जो हम एक्स्ट्रा कटआउट्स लगा रहे हैं वो इसकी थिकनेस के लिए लगा रहे हैं। अगर आपका पेपर काफ़ी थिक है तो आप डबल पेपर से भी काम चला सकते हो। मेरे को इसमें 3 लेयर लगानी पड़ी हैं, तो थोड़ा थिक हुआ है ये, ठीक है ना। तो बस आप इस पे होल कर लीजिए और कोई भी थ्रेड लगा के आपका ये बुकमार्क रेडी हो जाएगा। और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत ही यूनिक लग रहा है। आप बताइए आपको कैसा लगा ये फर्स्ट बुकमार्क जो मैंने बनाया है। अब जो हम सेकंड बुकमार्क बनाएंगे वो ओरिगेमी पेपर क्राफ्ट से बनाएंगे। ओरिगेमी बेसिकली क्या होता है ना, वो पेपर को फोल्ड करके ही बनाया जाता है। तो आप इसको ध्यान से देखो, मैंने एक स्क्वायर शेप में पेपर फोल्ड कर लिया था, और उसका जो हाफ फोल्ड है उसका भी हाफ फोल्ड कर दिया, और फिर इस तरह से जैसा आप वीडियो में देख रहे हो ट्राइंगल बना दिया। ये जो बुकमार्क बनाया जाएगा ना, सिर्फ फोल्ड करके ही बनाया जाएगा, और उसी को ओरिगेमी क्राफ्ट बोलते हैं। इसमें ना तो ग्लू का आप कोई यूज़ करना है, ना ही मतलब कुछ भी स्टिक नहीं करना है, जस्ट फोल्ड करके ही आपका ये पूरा बुकमार्क बन जाएगा। इसी को ओरिगेमी पेपर क्राफ्ट बोलते हैं, जिसमें सिर्फ फोल्डिंग की हेल्प से ही चीज़ों को बनाया जाता है। ये देखिए, बात करते करते ही ये रेडी हो गया। ये देखिए, और कैसा लग रहा है आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है ये वाला। अब ये जो हम बनाने जा रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ बुकमार्क, इसमें मैंने कटआउट्स काट लिया है एक बटरफ्लाई का और एक हार्ट शेप में। बहुत ही इजी बन जाता है और बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। बहुत ही इजी वे में बन जाता है, मतलब एक पेपर को डबल फोल्ड कर लिया, उसमें कोई सा भी फिगर आपको जो भी समझ में आता है, जो भी सुंदर लगता है, वो आप कटआउट काट लीजिए। मेरी तो आर्ट इतनी सुंदर नहीं है, तो मेरा तो बटरफ्लाई का पता नहीं क्या ही बन गया, मुझे तो समझ में भी नहीं आया, लेकिन जैसे तैसे मैंने बना ही लिया। और इस तरह से हम इसकी एक और दूसरा पेपर लेंगे, आप चाहो तो सेम कलर का ले सकते हो, और इस तरह से लंबी डबल फोल्ड करके लंबा एक लेंथ में एक पेपर कट कर लेंगे। अब जो भी आपने फिगर कट किया है उसमें आप डेकोरेशन अपने हिसाब से कलरिंग वगैरह कर लीजिए। मेरे को तो इतना मेरी आर्ट जो है ना बहुत अच्छी नहीं है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है,
तो मैंने तो जस्ट स्केच पेन से इसको आउटलाइन कर दिया है, और बस अब हम इन फिगर्स को हाफ में कट कर लेंगे और उन पेपर स्टिक्स में चिपका देंगे, और बहुत सुंदर और बहुत यूनिक बुकमार्क बन जाता है। आप लोगों को मेरी कोशिशें कैसी लगती हैं आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर ऐसी ही इनोवेटिव चीज़ें आपको देखने में अच्छा लगता है और तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और लाइक शेयर तो बनता है। आप लोग कमेंट करोगे तो थोड़ा सा मैं भी फैमिलियर हो जाऊंगी, और मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ जो मैं कर रही हूँ आपको अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिए, अच्छा लग रहा है या कुछ एडवाइस देना है, या मैं और क्या क्या कर सकती हूँ और क्या क्या आप देखना चाहते हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। है ना कितना सुंदर देखने में, ये देखिए बहुत सुंदर, मुझे तो बहुत पसंद आया ये बुकमार्क। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।